औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं जमानत बादस गिरफ्तारी जो ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट से मंजूर हुई पर डिस्कस करूंगा। जुर्म है 302 एंड सेक्शन 34। ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने होल्ड फरमाया डिलेड FIR, अक्यूज पर्सन बेल आफ्टर रेस्ट इन एन FIR लॉज्ड अंडर सेक्शन 302 एंड सेक्शन 34 PPC। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हैड बीन लॉज्ड विद द डिले ऑफ 24 आवर्स विदाउट एक्सप्लेनिंग द डिले। नो एविडेंस वॉज अवेलेबल अगेंस्ट द अक्यूज पर्सन एक्सेप्ट देयर implication by the complainant. No incriminating evidence had been recovered from the possession of accused person. Presence of co-accused on the spot was doubtful as he was living in a separate house while the deceased was living in the same house as the main accused. मीनिंग देयर बाई के जो वकुआ है और अंदराज मुकदमा में 24 घंटे की ताखीर थी। अब जो कंप्लेनट है उसने जो ताखीर है उसकी कोई रीजन वजह बयान नहीं की। प्रेजेंट जो पिटिशनर है मुलजम है उसके खिलाफ कोई डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं थी। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो मुलजम है उसके खिलाफ कोई ऐसा मटेरियल मवाद नहीं मिला जिससे ये साबित होता हो कि मुलजम ने मुद्दई की बहन को कत्ल किया। मुलजम का घर मुद्दई की बहन के घर से सेपरेट था जबकि जो प्रेजेंट अक्यूज्ड है उसका जो अपना हमराई मुलजम है उससे केस मुकम्मल डिफर है। अब जो मुद्दई मुकदमा है उसको इतला मिलती है कि उसकी बहन का मर्डर हो गया और वो हॉस्पिटल में उसकी डेड बॉडी मौजूद है। जब मुदई उसका पोस्टमार्टम करवाता है तो पोस्टमार्टम में ये तस्दीक होता है कि कंप्लेनेंट की बहन को तशद्दद करकर कत्ल किया गया है। अब जब मुद्दई की बहन का जनाजा होता है तो जनाजा में ना ही प्रेजेंट अक्यूज्ड और ना उसका हमराई जनाजा में शामिल होते हैं। मुद्दई को मुलजमान पर शक गुजरता है तो वो मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज रजिस्टर्ड करवाता है। ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने इन ग्राउंड्स पर मुलजम की जमानत बाद अज़ गिरफ्तारी मंजूर फरमाई और मजीद होल्ड फरमाया कि मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, चलान ट्रायल कोर्ट में सबमिट हो चुका है और मुलजम का जिस्म बराए मजीद तफ्तीश पुलिस को मतलूब न है। केस ला है 2023 YLR सिंध पेज 1740 पेज 1740 सिंध। उम्मीद है मेरे दोस्तों को मेरी ये कावश जरूर पसंद आई होगी। अस्सलामु अलैकुम।